हेलो फ्रेंड्स, संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाते हैं तवा पिज्ज़ा, वो भी गूथे हुए आटे से हम बनाएंगे। देखिए, आटा हमने पहले से ही गूथ कर रखा था, जो हम रोटी बनाने के लिए इजली सिंपल सा आटा गूथते हैं, वही हमने रोटी बनाने से दो रोटी का आटा हमने बचा लिया था, ताकि इसकी जो पिज्ज़ा बेस की जो रोटी होती है वो थोड़ा सा मोटी होती है। इसमें हमने ना ही कोई ईस्ट या ना ही कोई सोडा इनो कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें हल्का सा नमक डाल सकते हैं और थोड़ा सा तेल, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ सिंपल आटे की रोटी जैसे बनती है वैसे ही हमने बना लिया है। थोड़ी सी इसकी रोटी जो है मोटी बनाएं, बिल्कुल पतली ना बनाएं। देखिए, थोड़ा सा रोटी से मोटी है ये हमारी रोटी, बन चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक मैगी वाला चम्मच ले लेंगे, उसे हम थोड़ी थोड़ी दूर पे इसमें होल सा कर लेंगे, ताकि ये रोटी जो है हमारी फूले ना। इसे सिर्फ हमें जैसे वैसे सिंपल से छोड़ देंगी तो बीच से फूलने लगेगी रोटी, जैसे रोटियां फूल जाती है तवा पे वैसे फूलने लगेगी, इसलिए हम इसे फोक की मदद से थोड़ा थोड़ी दूर पे होल कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, हमने सभी रोटी पे कर लिया है और आपको बनाना बिल्कुल भी आसान है, आप चीज़ भी बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक गिलास दूध से हम घर पे चीज़ कैसे बनाएं उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। देखिए, हमारी रोटी बन चुकी है, इसे हम पहले तवा पर रखेंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे एक तरफ से सेक लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ एक तरफ से ही सेकेंगे, दोनों तरफ से नहीं सेकेंगे, सिर्फ रोटी को एक तरफ से ही सेक लेंगे हल्का सा। देखिए, जितना हमारी रोटी सीकी है उतना ही हम इसे सेक लेंगे। अब हम ले लेंगे एक मीडियम साइज प्याज और एक टमाटर और 2 हरी मिर्च। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल डाल के इसे भूनेंगे, ताकि हमारा पिज्ज़ा जो है जल्दी से पक जाए। आप चाहे तो इसे कच्चा भी यूज कर सकती हैं, लेकिन तो हमने इसे थोड़ा सा फ्राई करके डाला है, तेल और जीरा डाला है हमने। आप इसमें चाहे तो और भी अपने मन पसंद के मसाले को भी डाल सकती हैं। और देखिए, हरी मिर्च प्याज पहले हम इसको 1 मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और जो भी आपको मसाले पसंद हो वो मसाले भी डाल लें। देखिए, प्याज को भून जाने के बाद थोड़ा सा फिर हम टमाटर को भी थोड़ी सा भून लेंगे, ताकि ये भी थोड़ा नरम हो जाए, ताकि हमारे पिज्ज़ा पे जो है आसानी से पक जाए, क्योंकि हम तवा पे बनाने वाले हैं, ओवन में नहीं पकाने वाले हैं, इसलिए तवा पे जल्दी से पक जाए। इसमें थोड़ा सा हमने डाला है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप और भी कुछ इसमें चाट मसाला वगैरह डाल सकती हैं। देखिए, ये हमारा पक चुका है, अब इसे हम रख देंगे साइड में। और हमने जो बेस बनाया है उसको हम उल्टा करके रखेंगे, जिस तरफ से हमने पकाया था उस तरफ से हम ऊपर ले लेंगे। और इस पर हमने 2 चिटकी नमक छिड़क दिया है और इसे हाथों से प्रेस कर देंगे, तो इसके सारे होल्स में नमक जो है चला जाएगा और हमारे पिज्ज़ा में भी बिल्कुल आसानी से नमक का टेस्ट आ जाएगा। अब हम इस पे लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस या टोमेटो सॉस, जो भी आपके पास इजली हो वो आप लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगा सकते वो नहीं लगा सकते, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे लगाएं। ये देखिए, हमने लिया है पिज्ज़ा जो हमने घर पिज्ज़ा चीज जो हमने घर पे बनाया है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप आराम से घर पे चीज़ बना सकती हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, इसके ऊपर हम इसे पहले थोड़ा सा क्रश कर देंगे
और इसे चारों तरफ से फैला के सेट कर लेंगे। देखिए अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने टमाटर और प्याज हरी मिर्च को थोड़ा सा हमने फ्राई किया था, उसे हम अच्छे से फैलाएंगे सभी तरफ। देखिए अच्छे से इसे भी हम फैला लेंगे। और भी हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप उसे भी जाकर देख सकती हैं। देखिए उसे फैलाने के बाद फिर से हम अपने चीज़ को लेंगे और इस पर क्रश कर देंगे। आप चाहें तो छोटा छोटा टुकड़ा करके भी रख सकती है, लेकिन क्रश करने से ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेल्ट होने में। और ये पिज्ज़ा बनाने में आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट लगेंगे, ये नहीं कि 40 मिनट पकाओ 45 मिनट पकाओ। सब लोग बताते हैं ना कि कढ़ाई या तवा पिज्ज़ा को 40 मिनट तक पकाओ या 45 मिनट तक, लेकिन इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं, ये इजीली पक जाता है। देखिए पहले हम इसे सभी को सेट कर लेंगे। अब हम इसे रखेंगे गैस पे और ऊपर से हम किसी भी चीज़ से इसे ढक देंगे ताकि चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए हमारा पिज्ज़ा बिल्कुल तैयार है, इसको हमने रख दिया है गैस पे, अब इसे ढक के छोड़ देंगे। देखिए हमने 5 मिनट बाद देखा है थोड़ा सा चीज़ जो है रह गया है, फिर से हमने फिर इसे 2-3 मिनट तक पकाया। देखिए हमारा पिज्ज़ा बिल्कुल बन के हो गया तैयार। अब हम इसे कट कर लेंगे और सर्व करेंगे। आप चाहे तो इस पर चिली फ्लेक्स और जो भी आता है सब कुछ ऑर्गेनो आप जो भी डाल के इसे सर्व कर सकती हैं, लेकिन हम जो भी अवेलेबल होता है हमारे पास वही हम डालेंगे, वैसे ही सर्व करेंगे। देखिए इसे कट करके हम अब सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा तवा पिज्ज़ा। क्या आपने अभी कभी ऐसे बनाकर खाया है तवा पिज्ज़ा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए हमारा पिज्ज़ा बिल्कुल बन के हो गया सर्व के लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।